से कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था। उसका रीजन ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और मेरे को प्रॉपर बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने, तो उस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। बट इस दौरान एक अच्छी चीज ये हुई कि हमें लॉकडाउन के खुलते ही एक बड़ा बोर्ड मिल गया है, जैसा कि आप लोगों ने हमें कहा था एक बड़ा बोर्ड लगे ताकि हम प्रॉपरली उस पर लिख सके और आप लोग उसको प्रॉपरली देख सके। तो हमने कोशिश करी है जो आप हमें रिव्यूज देते हैं, फीडबैक देते हैं, हम उसे इनकॉर्पोरेट करें अपने वीडियोस के अंदर। राइटिंग के लिए भी मुझे किसी ने बोला था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा बेटर लिख पाऊं ताकि आप लोग उसे समझ पाए। बाकी दूसरी बात ये है कि आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स के बारे में आप सभी को पता है कि काफी सारे होते हैं, एक्टिविटीज हो सकते हैं, कार्ड्स हो सकते हैं, लेक्चर हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, किस चीज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों यूज करना चाहिए, कैसी सिचुएशन में यूज करना चाहिए, वो सब बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। लेकिन आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगा, बीच बीच से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए आप शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक 8 है इंग्लिश का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इंग्लिश का कोर्स जो है वो हमारा खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक इसके बाद हमारा रह जाएगा। और जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हिसाब से कवर कराए हैं, तो आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके बाद मैं इंग्लिश के क्वेश्चन सीरीज जो है वो अपलोड करने शुरू करूंगी, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। और साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स का कोर्स भी हम कवर करते रहेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ लो स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉल स्टेप्स, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड इंस्टेंट फीडबैक, टीचर्स शुड एनकरेज प्यूपिल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू हेल्प मास्टर द स्किल्स एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब एक बच्चा छोटा होता है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, तो वो धीरे धीरे करके चीजें सीखना शुरू करता है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा जो है वो स्मॉल स्टेप्स लेता है बेसिकली। तो टीचर को डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज यूज करने चाहिए। डाइवर्सिफाइड से दे मीन के अलग अलग। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को रोज ही स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ या रोज ही वीडियो दिखा रही हूँ। मेरी क्लासेस में वैरायटी होनी चाहिए, मेरे पढ़ाने के तरीकों में वैरायटी होनी चाहिए। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि टीचर जो है उसे इंस्टेंट फीडबैक देना चाहिए बच्चों को। इंस्टेंट फीडबैक से उनका मतलब है कि अगर एक बच्चा सपोजिंगली कुछ बहुत अच्छा करता है तो मैं उसका वेट ना करूं कि अगर उसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे हैं तो मैं उसे फीडबैक दूं। नहीं, अगर एक बच्चा कोशिश कर रहा है तो एज अ टीचर मुझे उसे फीडबैक देना है कि बेटा वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको और ज्यादा ट्राई करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो एनकरेज्ड फील करे, मोटिवेटेड फील करे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और साथ साथ में जो स्किल्स है उसकी उसको वो सीख पाए, और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी वो सीख पाए। कोलैबोरेटिव लर्निंग से उनका मतलब है दूसरों के साथ मिलजुल के सीखना। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है टीचिंग एड्स एनहांस पीपल्स लर्निंग बट ऑल्सो कंसोलिडेट द नॉलेज दे हैव लर्न्ड। टीचिंग एड्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारा मटेरियल है बेसिकली जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो ना कि तो बस सिर्फ बच्चों को लर्निंग में हेल्प करता है, बल्कि जो उन्होंने प्रीवियसली लर्न किया था, जो उन्होंने पहले सीखा था, वो उसमें भी मदद करता है कि जो बच्चे हैं उसको भी रिमेम्बर कर पाए। तो बेसिकली हम एक तरीके से क्या बात कर रहे हैं कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसे मैं अपने आज वाले एक्सपीरियंस से जोड़ने की कोशिश करूंगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इट कंसिडर्स देयर प्रैक्टिकल यूज एंड असेस वेदर द एम कैन बी अचीव्ड और नॉट। टीचर जो है उसका यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसको देखना है कि उसका प्रैक्टिकल यूज, यानी कि जब वो एक मटेरियल क्लास में यूज कर रही है तो बच्चा उसको प्रैक्टिकली कहीं यूज कर भी पाएगा या नहीं, और साथ साथ में जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से वो बेसिकली मेरे एम्स को अचीव करने में मेरी मदद करेगा या नहीं। जैसे कि मैं बच्चों को आज क्या सिखा रही हूँ, रीडिंग सिखा रही हूँ। आज का मेरा मोटिव है कि बच्चा जो है वो रीड करना सीखे, और मैं क्या कर रही हूँ, क्लास में लाके उन्हें एक स्टोरी वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ, तो उसमें बच्चे रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। मुझे उन्हें ऐसी एक्टिविटी देनी है जिसमें वो रीड करें। तो मेरा जो एम है आज की क्लास का वो फुलफिल करना है, तो मुझे वो भी असेस करना है कि मेरी एक्टिविटी वो फुलफिल करती है या फिर नहीं।
नंबर फोर्थ होता है इट शुड बी प्यूपिल ओरिएंटेड, यानी कि जो भी एक्टिविटी में लेती हूँ बच्चों को ध्यान में रखते मुझे लेनी है। ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है मेरी क्लास के लिए, बहुत इनोवेटिव लगेगा अगर मैं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे जो है उनका लेवल उतना नहीं है और मैं क्लासरूम में एक बहुत हाई लेवल की एक्टिविटी लेके जा रही हूँ, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं लेके जा रही, तो वो एक्टिविटी ऑब्वियसली फेल करेगी चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो जो एक्टिविटी है, जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी मैं यूज करने वाली हूँ, वो प्यूपिल ओरिएंटेड होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज की और बात कर लेते हैं कि टीचर जो है वो एज अ रेफरेंस ले सकती है बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो बुक्स हैं या उनके मटेरियल्स हैं, वो उन्हें भी यूज कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिकली क्रिस्प में बता दिया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के मोटिव्स क्या है हमारे, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं और किस लिए वो यूज होना चाहिए। अब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड डिफिकल्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ये हमें या फिर बच्चों को मदद करता है कि जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं पढ़ के, वो शायद टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू, जो भी टीचर यूज कर रही है, वीडियो यूज कर रही है, ऑडियो यूज कर रही है, एक्टिविटी यूज कर रही है, फ्लैश कार्ड यूज कर रही है, किसी भी चीज के थ्रू वो उन्हें समझा पाए, तो बच्चा जो है उसे ईजी हो जाता है डिफिकल्ट आइडियाज को समझना और कॉम्प्रिहेंड करना। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड मेक देम क्यूरियस। जब हम क्लासरूम में मटेरियल्स यूज करने लगते हैं तो बच्चा जो है वो क्यूरियस हो जाता है कि आज मैडम आज आप क्या कराने वाले हो, आज आप क्या लेके आए हो, तो वो जो क्यूरियोसिटी है बच्चे के अंदर की वो बाहर निकलती है और साथ साथ में उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब एक बच्चा इंटरेस्ट लेके कोई भी चीज सीखता है, ये हमारे और आपके साथ भी है, जब हम कोई चीज अपने इंटरेस्ट से करते हैं तो वो चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड आता है मेक लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस। जब हम मटेरियल्स के थ्रू लर्निंग कराते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने ही लर्निंग प्रोसेस के अंदर। नंबर फोर हमारा है हेल्प्स इन रिटेनिंग द लर्न मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वही बात जो मैंने यहाँ आपको बताई थी कि जब हम इंटरेस्ट से कोई चीज सीखते हैं तो वो हमें ज्यादा समय के लिए याद रहती है, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रखने के लिए मदद करता है। फिफ्थ हमारा है प्रोवाइड रीइन्फोर्समेंट्स फॉर बेटर लर्निंग। रीइन्फोर्समेंट मिलती है बच्चे को, एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि वो और ज्यादा उस चीज को पढ़े, समझे और सीख सके। छठा हमारा जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा है, वो कहता है डेवलप परसेप्शन ऑफ लर्नर्स टुवर्ड्स द कंटेंट। बच्चा जो है वो कंटेंट के थ्रू, कंटेंट की तरफ एक तरीके से एक परसेप्शन डेवलप कर लेता है कि इस कंटेंट के अंदर मैम ने ये कराया था तो ये कंटेंट इस चीज से रिलेटेड है, तो वो जो परसेप्शन है एक तरीके से आइडियाज है वो उसे इन लॉन्ग टर्म्स भी हेल्प करता है। सपोजिंगली अगर मैं कोई चीज भूल जाती हूँ बट मेरी एक परसेप्शन है उस आइडिया के बारे में कुछ, तो वो परसेप्शन मुझे एक तरीके से हेल्प करेगी, जब भी मैं कहीं वो चीज दोबारा पढ़ूंगी तो वो मुझे याद आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम ऑडियो और विजुअल एड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी टीचिंग एड्स जिन्हें हम सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। जब एक बच्चा वीडियोस देखता है या कुछ चीजें सुनता है तो उसके लिए लर्निंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि वो उसे ज्यादा समय के लिए याद रहेगी। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बच्चे को जो है वो मोटिवेशन मिलता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से जाग जाता है, उसे उस चीजों को करने में मजा आने लगता है, तो उसे अंदर से मोटिवेशन मिलता है और वो चीजें सीखता है। इट सेव्स टाइम एनर्जी एंड बर्डन ऑफ द टीचर। बेसिकली जो ये मटेरियल्स हैं टीचर को एक तरीके से हेल्प करते हैं कि उसका समय जो है, एनर्जी जो है और जो बर्डन है बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कराने का, वो कम हो जाए एक तरीके से और बच्चों का भी कोई लॉस ना हो, बच्चे भी इजीली चीजें सीख पाए। टू शो एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जो चीजें बच्चा सिर्फ किताब में पढ़ता है, जब वो उसको सामने होते हुए देखता है तो वो चीजें उसके लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूटन के लॉ की बात करते हैं,
जिसमें वो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो चीज अगर मैं आपको बता रही हूँ तो समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बॉल को दीवार पे फेंक के मारूं और वो बॉल वापस मेरी तरफ आए तो वो चीज आप समझ सकते हो कि मेरा एक्शन उस बॉल को फेंकना था और रिएक्शन दीवार की तरफ से आया कि बॉल उस पर टप्पा खा के वापस मेरी तरफ उतने ही फोर्स के साथ आई है। तो ये चीजें आपको मतलब समझने में मदद करती है, डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है टू इंक्रीज सेंसरी स्टिमुलाई एंड कैटर टू अदर सेंसेस बिसाइड म्यूटेन रीडिंग नोट्स, यानी कि जो सेंसेस है हमारी उनको डेवलप होने में मदद मिलती है, साथ साथ में वो बाकी सेंसेस को भी साथ लेके चलता है। इंस्टेड की बच्चा जो है वो हमेशा सिर्फ नोट्स को रीड करे या फिर हमेशा एक लेक्चर ही सुनता रहे तो वो उन चीजों से अच्छा है कि वो इस तरीके से सीखे ताकि उसको जो चीजें वो सीखना चाहता है इंटरेस्टिंग रहे और वो लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाए। फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब एक बच्चा वीडियो या ऑडियो सुनता है तो उसे वीडियो में वो उन वर्ड्स की लिपसिंग भी देख सकता है, तो प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड की है जो कि गलत होती है बहुत से बच्चों की, कुछ कुछ शब्दों की हम लोगों की भी होती है एज एन अडल्ट, लेकिन बच्चा जो है जब वो सुनता है उस चीज को, उसकी लिप्स लिप मूवमेंट देखता है तो वो उस चीज को करेक्टली प्रोनाउंस करने की कोशिश हमेशा करेगा। सेवेंथ आता है हमारा टू इंटरप्रेट डाटा और टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि जो डाटा है उसको अगर मैं यहाँ कोई डाटा लिख दूं तो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे, इंस्टेड की मैं अगर आप उसको एक वीडियो बना के उसमें समझाऊं तो शायद आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और जो कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता वो भी उसके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एट्थ हमारा आता है टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जब बच्चा बहुत छोटा होता है हम उसे लैंग्वेज लर्निंग करा रहे हैं या बच्चा वो लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं उससे बोलूं कि बेटा आपने एक डॉल्फिन देखी है, लेकिन बच्चा बोलेगा कि उसको नहीं पता डॉल्फिन कैसी दिखती है क्योंकि उसने वो कभी देखी ही नहीं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो ऐसी चीजें हैं जिनकी कई बार कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, हम उसे भी वीडियोस के थ्रू एक तरीके से इमेजिनेटिव आइडेंटिटी देके बच्चों को समझा सकते हैं, या चीजें जो बच्चों ने नहीं देखी वो भी वो वीडियोस के थ्रू देख के उनके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने ऑडियो विजुअल एड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी अभी, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ ऑडियो एड्स की हम बात करेंगे कि ऑडियो एड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ऑडियो एड्स जो बेसिकली है वो हमें मदद करते हैं, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, ये हमारे हियरिंग के सेंस जो है यानी कि जो सुनने की हमारी क्षमता है उसको ध्यान में रख के हमें मदद करते हैं। ऑडियो एड्स सबसे पहला हमारा आता है लिंगवा फोन क्या होता है? लिंगवा फोन जो होता है इट हेल्प्स इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, थ्रू दिस वी लर्न प्रॉपर स्पीच पैटर्न, ये हमें मदद करता है दूसरी भाषाएं सीखने में, इसके थ्रू हम प्रॉपर स्पीच पैटर्न यानी कि कैसे बोला जाता है वो सीख सकते हैं, उसे हम लिंगवा फोन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है रेडियो और तीसरा हमारा आता है टेप रिकॉर्डर। रेडियो में भी आपको पता है हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, सपोजिंगली हम गाने ही सुनते हैं या लोगों को बात करते हुए सुनते हैं तो बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन हम अपनी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनके अपने रेडियोज होते हैं, कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके रेडियो चैनल्स होते हैं जो बच्चे सुनना पसंद करते हैं और उससे उन्हें उनके लिसनिंग बेसिकली जो स्किल है वो डेवलप होती है। थर्ड हमारा आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, टीचर्स जो है वो अपने लेक्चर्स बहुत बार रिकॉर्ड करके रख देते हैं, सपोजिंगली उस बच्चे ने ये वाली क्लास मिस कर दी तो वो टेप रिकॉर्डर में टेप लगा के वो चीजें सुन सकता है। फोर्थ हमारा आता है लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी बेसिकली क्या है, ये लैंग्वेज के केस में हम इसे यूज करते हैं एज एन ऑडियो एड। तो ये क्या होती है, इट इज अ प्लेस वेयर द लर्नर्स पुट ऑन हेडफोन्स एंड लिसन टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पीस। जैसे मैंने आपको टेप रिकॉर्डर के बारे में बताया, लैंग्वेज लेबोरेटरी में बहुत सारे टेप्स रखे जाते हैं, बच्चा क्या करता है वो हेडफोन्स लगाता है और कोई भी लैंग्वेज का एक पीस सुनता है। दीज लैब्स आर सेट अप विद अ व्यू टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटीज स्पेशली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ये लैब्स जो है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही बनाई गई थी ताकि बच्चे जो है वो बेसिकली जो उनकी लिसनिंग स्किल्स हैं वो डेवलप कर सके। फिर वो बोलता है द लर्निंग मटेरियल्स आर रिकॉर्डेड ऑन ऑडियो टेप्स व्हिच आर प्लेड बैक बाय द टीचर एंड इट इज टू बी ड्रिल्ड इन द लर्नर्स
अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। लर्निंग टेप्स जो है, यानी कि कोई भी लेक्चर जो है या कोई भी स्टोरी जो है, टीचर रिकॉर्ड कर देता है और वो बच्चे बैठ के सुनते हैं टीचर के सुपरविजन में, ताकि वो वहाँ पे एक्चुअली में लर्न करें, ना कि सिर्फ टाइम पास करें। हमने ऑडियो एड्स की बात करी थी, अब हम विजुअल एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। विजुअल एड्स जो है, दीज अपील टू लर्नर्स विजुअल ऑर्गन्स, इट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। विजुअल एड्स बेसिकली जो है वो हमारे विजुअल ऑर्गन्स को बेसिकली हेल्प करते हैं, टारगेट करते हैं कि बच्चा जो है उसके थ्रू सीखने की कोशिश करे। साथ साथ में वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है कि बच्चे का मेंटल लेवल, उसका फिजिकल सपोजिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो सब चीजें जो है साथ साथ डेवलप हो, तो उसमें भी वो एक तरीके से मदद करता है। सबसे पहले जो हम विजुअल एड की बात करेंगे वो हमारा आता है चॉक बोर्ड या फिर सॉफ्ट बोर्ड। चॉक बोर्ड या सॉफ्ट बोर्ड आपको पता है क्या होता है? सॉफ्ट बोर्ड जो कि ये है, और चॉक बोर्ड जो होता है यानी कि चॉक से जिसपे हम लिख सकते हैं उसकी बात हो रही है। इट इज यूज टू टीच सेंटेंस स्ट्रक्चर, न्यू वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कैन बी टॉट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फिगर्स। उन्होंने बोला कि चॉक बोर्ड या सॉफ्ट बोर्ड जो होता है, इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नए शब्द सिखा सकते हैं या फिर ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स उन्हें दे सकते हैं। साथ साथ में कोई टॉपिक ऐसा है जो फिगर्स के थ्रू समझाया जा सकता है या चार्ट्स के थ्रू समझाया जा सकता है, वो भी हम बोर्ड के थ्रू समझा सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है पिक्चर्स एंड चार्ट्स। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक और टेल अ स्टोरी और टीच न्यू वोकैबुलरी। पिक्चर्स और चार्ट को हम किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली जब हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम इन्हें यूज कर सकते हैं, स्टोरी सुनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से हैं उन्हें पता होगा स्टोरी बोर्ड के बारे में, जो हम लोग बनाते हैं स्टोरी बोर्ड जिसपे हम एक प्रॉपर स्टोरी जो है वो कवर करते हैं, तो वो भी हम इस पे कर सकते हैं। साथ साथ में नए शब्द बच्चों को सिखा सकते हैं। सपोजिंगली मैंने बीच में एक अल्फाबेट लगाया ए, और उससे आने वाले मैंने साइडों में ब्लैंक सर्कल्स चिपका दिए, ताकि जो बच्चे को एक अल्फाबेट नया उससे याद आता है वो वहां पे उसे लिख सकता है। इससे बच्चा जो है वो दूसरों के शब्दों को भी पढ़ेगा और अपने आप भी लिखने की कोशिश करेगा। तीसरा हमारा आता है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? फ्लैनल बोर्ड जो होता है, इट इज यूज टू पेस्ट इंस्पिरेशनल थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ स्कॉलर्स। हेडलाइंस ऑफ न्यूज आर ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन दीज बोर्ड्स। फ्लैनल बोर्ड जो होता है उसके, वो हम सबके स्कूल्स में होता है जिसपे थॉट्स चिपकाए जाते हैं या फिर इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज के बारे में चिपकाया जाता है। जैसे कि सपोजिंगली थोड़े दिन पहले ऋषि कपूर जी की डेथ हुई थी या इरफान खान जी की डेथ हुई थी, तो जो ये वाला बोर्ड होगा फ्लैनल बोर्ड, वो हम उनकी याद में डेकोरेट करेंगे, यानी कि उनके बारे में जो चीजें हैं वो हम वहां पे लगा सकते हैं। तो ये फ्लैनल बोर्ड बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है। साथ साथ में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एक बोर्ड पे डेली के न्यूज लगाते हैं, तो हम फ्लैनल बोर्ड के ऊपर हेडलाइंस या न्यूज भी लगा सकते हैं। अब हम नंबर फोर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है नरेटिव चार्ट्स। नरेटिव चार्ट्स क्या होते हैं? दीज आर यूज फॉर अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, फॉर एक्सप्रेसिंग द इवेंट इन प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इशू टू इट्स पॉइंट ऑफ रिस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नरेटिव चार्ट्स जो बेसिकली होते हैं वो यूज किए जाते हैं किस लिए? ताकि हम फैक्ट्स को या अपने आइडियाज को अरेंज करके लगा सके। साथ साथ में उसमें हम इवेंट्स दिखा सकते हैं। सपोजिंगली अगर हम मुगल्स की बात कर रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं इवेंट्स का, कि वो कब आए थे, फिर कब कौन सी लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ एंड कब उनका बेसिकली डिक्लाइन हुआ, हम वो सब दिखा सकते हैं। साथ साथ में उसमें हम टाइम ड्यूरेशंस भी दिखा सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सपोजिंगली ये प्रॉब्लम थी, अभी कोरोना वायरस है फॉर एग्जांपल, अगर कुछ टाइम बाद उसकी वैक्सीन आ जाती है और कुछ समय में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो वो चीज भी हम दिखा सकते हैं उसके अंदर। नंबर फिफ्थ हमारा आता है मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स एंड मॉडल्स आप नाम से ही समझ गए होंगे। दीज आर यूज टू प्रेजेंट जियोग्राफिकल फैक्ट्स और टू रिलेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स और एनहांस लॉजिकल ऑडियो एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। मैप्स एंड मॉडल्स बेसिकली हम जियोग्राफिकल फैक्ट्स कराने के लिए यूज करते हैं क्लासरूम में। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो कि बच्चे ना समझ पाए, वो हम उनको दिखा सकते हैं उसके थ्रू, या फिर ऑडियो एबिलिटी के थ्रू भी बच्चों को हम वो चीजें करा सकते हैं। फिर हमारा आता है फ्लैश कार्ड्स। यूज एट एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्टेज और कैन बी यूज ग्रुप्स और कैन बी यूज इन ग्रुप्स और ग्रुप डिस्कशंस।
ये जो है फ्लैश कार्ड्स जो है वो हम एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी क्लासेस में यूज करते हैं। एलिमेंट्री यानी कि सेवेंथ एट्थ क्लास से हम इसे शुरू करेंगे और नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक हम इसे यूज कर सकते हैं। साथ साथ में हम इसे ग्रुप्स में या फिर ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस और टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गेन बाय स्टूडेंट्स टू अ न्यू सिचुएशन। हम नई सिचुएशन में जो हमारी पुरानी लर्निंग है उसको अप्लाई करने के लिए भी फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर बच्चे जो है वो एज अ गेम इसके थ्रू बहुत सारी चीजें सीख सकते। अब हम बात कर लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की, यानी कि जो ऑडियो और विजुअल दोनों है वो हमारे बोथ यानी कि हियरिंग और विजुअल ऑर्गन्स दोनों को अपील करते हैं। दोनों के थ्रू हम बच्चे को बेसिकली कोशिश करते हैं कि बच्चा दोनों के थ्रू सीख सके। सबसे पहले हमारा आता है टेलीविजन। टेलीविजन आप समझ ही गए होंगे, ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि बच्चा सिर्फ देख के सीख सकता है, वो उससे करेक्ट करने की उम्मीद नहीं कर सकता या उसको ये नहीं कह सकता कि आप रिपीट करो आपने क्या बोला था। तो टेलीविजन एक लैंग्वेज लर्निंग का बहुत अच्छा मीडियम है। अगर कोई सीखना चाहे तो वहां से हम बहुत अच्छे प्रोनंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, नई वर्ड्स या फिर हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए वो सब हम सीख सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है सिनेमा और मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन स्टिम्युलेटिंग द इमेजिनेशन। सिनेमा या फिर मोशन पिक्चर्स जो है, चलती हुई इमेजेस जो है, बेसिकली वो हमें मदद करती हैं कि क्या कर सके, हमारी इमेजिनेशन जो है वो डेवलप हो। एंड मेंटल इमेजिनरी कैन बी यूज्ड एज अ व्हीकल ऑफ थॉट एंड क्लैरिफाइंग आइडियाज। इसे हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। जो इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी बच्चे ने डेवलप करी है कि जो उसके थॉट्स हैं वो उनको ठीक से अरेंज कर पाए और साथ साथ में जो उसके आइडियाज क्लियर नहीं थे उनको भी वो क्लियर कर पाए। थर्ड हमारा आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे पुराना मीडियम है जिससे कि लैंग्वेज लर्निंग हमेशा से होती रही है। टेक्स्ट बुक बेसिकली हमें एक क्राइटेरिया देता है कि हम बच्चों को किस तरीके से एक लैंग्वेज लर्न करा सकते हैं और उसके बहुत सारे एक्टिविटीज भी वो हमें प्रोवाइड करता है। फोर्थ हमारा आता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ये प्रोग्राम जो है स्कूल में बहुत जगह यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स फिट किए जाते हैं जो कि लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे को मदद करते हैं। उसमें प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हो सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही अच्छी इनोवेशन रही है एडुकेशन की फील्ड के लिए। यहाँ पे हम बच्चा कंप्यूटर के थ्रू भी लैंग्वेज लर्निंग कर सकता है। फिफ्थ हमारा आता है फिल्म स्ट्रिप एंड स्लाइड प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप क्या होती है? फिल्म स्ट्रिप इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्टिल पिक्चर्स विद इंडिविजुअल फ्रेम सप्लीमेंटेड विद रिकॉर्डिंग्स। फिल्म स्ट्रिप के अंदर बेसिकली क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स होते हैं जो कि स्टिल है यानी कि वो मूविंग नहीं है। साथ साथ में इसके साथ में रिकॉर्डिंग्स भी होती है जो कि हम पिक्चर स्टोरीज देखते हैं जिसमें एक पिक्चर है और पीछे से कोई बंदा स्टोरी सुना रहा है, वो हमारी बेसिकली फिल्म स्ट्रिप कहलाती है। स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑन विच अ सिंगल पिक्टोरियल इमेज हैज बीन फोटोग्राफ्ड और रिप्रोड्यूस्ड। स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर हम एक फोटो दिखा सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। प्रोजेक्टर्स जो है वो स्कूल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और साथ साथ में प्रोजेक्टर्स पे जब हम पिक्चर्स दिखाते हैं बच्चों को तो एज अ टीचर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोजिंग मैं यहाँ पे लायन की फोटो दिखा रही हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लायन क्या होता है, जानवर कैसा है, क्या खाता है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस है, बहुत चीजें हैं जो आप उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिक्विजिट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे बड़ा सबसे पुराना मटेरियल है जो कि हम टीचिंग के लिए यूज करते हैं। साथ साथ में जितने स्टेट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है जब हम एक अच्छी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। इट शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड एज इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स। जब भी हम एक टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हम कौन सी उम्र के बच्चों के लिए वो किताब जो है वो हम चूज कर रहे हैं, बच्चे उस एज में कौन सी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, और साथ साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पे बात की गई है जो कि क्लासरूम में ऑब्वियसली होते हैं, तो उनका भी एज अ टीचर या करिकुलम मेकर जो कि बेसिकली बुक्स जो सिलेक्ट करते हैं स्कूल के लिए उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना है।
इट शुड कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग. इंग्लिश टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है किताब को वो कवर जरूर करना चाहिए. जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल जो है बच्चों की वो डेवलप कर पाए. तो वो जो है बेसिकली एक किताब जो हम चूज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वो से अचीव करना चाहिए. शुड बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स एंड प्रिंटिंग मिस्टेक्स. प्रिंटिंग मिस्टेक्स और स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए किताब के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चा गलत चीज किताब से सीख लेगा और फिर उसको रेक्टिफाई करने में उसे इयर्स भी लग जाते हैं कई बार. इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड इलस्ट्रेटिव, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव बुक होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो पिक्चर्स को देख के, कलर्स को देख के ज्यादा किताबें देखना पसंद करते हैं, वरना उनको वो बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता. साथ साथ में इलस्ट्रेटिव होना चाहिए, समझाने के लिए पिक्चर्स होने चाहिए जो बच्चा है वो उसको देख के समझ सके. फिर हम बात करते हैं द कवर ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि जो किताब का कवर होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्वालिटेटिव होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. क्योंकि एज एन अडल्ट इवन जब भी हम कोई किताब खरीदते हैं हम पहले उसका कवर देखते हैं. अगर हमें उसका कवर पसंद नहीं आता तो हम उस किताब को नहीं खरीदना पसंद करते. तो सेम चीज बच्चों के साथ भी है, वो एक किताब को पढ़ने में इंटरेस्टेड तब होंगे जब उन्हें वो अट्रैक्टिव या फिर ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. Each chapter must contain exercises and practical work pertaining to its content in a textbook. हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज होना चाहिए या प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए ताकि जो बच्चे ने पढ़ा है उसे वो ठीक से एक तरीके से सीख पाए या फिर वो चेक कर पाए कि उसने जो समझा वो एक्चुअली सही भी था या नहीं था. Chapter should be related to experiences which could enlighten us and provide some values. Chapters जो है वो पुराने लोगों के experiences से, यानी कि बहुत से लोगों के experiences से selected होने चाहिए ताकि वो हमें एक तरीके से enlighten करे, help करे नई चीजें सीखने के लिए और साथ साथ में हमें कुछ values सीखने में भी वो मदद करे. Language should be used according to the age and interest of the student. Language जो है वो ऐसी इस्तेमाल होनी चाहिए किताबों में जो कि बच्चे अपने उम्र के हिसाब से समझ सके. ऐसा ना हो कि मैं इतने भारी भरकम शब्द एक छोटे बच्चे की किताब में दे दूं कि जब बच्चा उस किताब को पढ़े तो उन्हें वो शब्द समझना है और वो उस किताब को पढ़ना बंद कर दे. और साथ साथ में बच्चे उस एज में कैसी किताबों में इंटरेस्टेड होते हैं वो भी हमें ध्यान में रख के चलना है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. एक अच्छी किताब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली गाइडेड. जो शब्द या स्ट्रक्चर्स, जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं वो केयरफुली चेक होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो कि किताब में ना सही है, अप्रोप्रिएट है या और बहुत मुश्किल है. ऐसे शब्द भी नहीं होने चाहिए. द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी लर्न शुड बी रिपीटेड इन द कमिंग पेजेस सो दैट स्टूडेंट शुड रिवाइज देम एंड मेक देम स्टेबल इन देयर मेमोरी. जो शब्द पहले इस्तेमाल किए गए हैं वो आगे के चैप्टर्स में या आगे के प्रैक्टिस शीट्स में रिपीट होने चाहिए ताकि बच्चा जो है उन शब्दों को अपने दिमाग में बिठा सके और साथ साथ में उन्हें अच्छे से समझ सके. साइज शुड बी हैंडी. तो जो किताब का साइज होता है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चा पकड़ सके. सपोजिंगली इफ आई हैव दिस बुक, अगर मैं इसको बहुत छोटे बच्चे को दूंगी तो शायद उसके लिए पकड़ना इस साइज की किताब बहुत मुश्किल हो जाएगा. किताब का साइज उतना ही होना चाहिए जितना कि एक बच्चा संभाल सके या पकड़ सके. बाइंडिंग इन पेपर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. जो बाइंडिंग की गई है किताब पे और जो उसमें पेपर इस्तेमाल किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मैंने किताब खरीदी और उसकी बाइंडिंग खुल जाए और वो सारे पेजेस इधर उधर हो जाए. और साथ साथ में जो पेपर है अगर वो गंदा क्वालिटी का यूज होगा तो उसको पढ़ने का मन बच्चे का वैसे भी नहीं करेगा. हमारा टेक्स्ट बुक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी प्रिंटेड इन बोल्ड फॉर्म्स, यानी कि जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो हमेशा बोल्ड में होना चाहिए ताकि बच्चे को पता लग जाए कि सपोजिंगली मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है तो हम फ्रूट्स के बारे में नीचे बात करने वाले हैं. इलस्ट्रेशन शुड बी अट्रैक्टिव. जो इलस्ट्रेशन है, जो लिखा गया है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. यंग लर्नर्स बुक शुड हैव मोर
वेल ड्रॉन पिक्चर्स एंड रियलिस्टिक कलर्स, यानी कि छोटे बच्चों की किताबें जो है उसमें बहुत साफ सुथरी बनी हुई पिक्चर्स होने चाहिए और उसमें रियलिस्टिक कलर्स होने चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि ये पिक्चर अभी सामने खड़ी हो जाएगी निकल के। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और बच्चे उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद टेस्ट एंड प्रैक्टिस शीट्स। इंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड ऐसे होने चाहिए कि वो बच्चा पढ़े और उसे समझ आ जाए। जब भी हम कोई प्रैक्टिस शीट देते हैं या टेस्ट देते हैं तो बच्चे को पता हो मुझे इसमें क्या करना है। शुड प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक जो है वो हमेशा नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बिल्ड करके, ताकि बच्चा जब उसे पढ़े तो वो नई चीजें साथ साथ में सीखता रहे। फिर वो कहते हैं अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड बुक शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि एक लिस्ट देनी चाहिए किताबों की, ताकि बच्चा जब एक चैप्टर खत्म होता है, सपोजिंग कि मैंने प्लांट्स के बारे में बात करी है तो प्लांट से रिलेटेड जो और किताबें हैं मैं उसकी एक लिस्ट दे सकती हूँ किताब के एंड में, चैप्टर के एंड में, ताकि बच्चा अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो वो उन बुक्स को रेफर कर सकता है और उन्हें पढ़ सकता है। इट शुड कवर द होल सिलेबस, सिलेबस को कवर करना चाहिए किताब को, साथ साथ में प्रैक्टिस शीट्स और टेस्ट भी उसे देना चाहिए। इट मस्ट कंटेन लेसन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन पे एक चैप्टर जरूर होना चाहिए, वर्ल्ड पीस पे, लव एंड कोऑपरेशन पे, विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट सेक्स एंड रेस, यानी के भेदभाव जो है वो खत्म करने के लिए उसमें ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है उन्हें प्यार का एक तरीके से संदेश मिल सके, वो कोलैबोरेट करके लोगों के साथ सीखना, कोऑपरेशन से सीख सके दूसरों के साथ। और इसके अलावा एक चीज ये है कि आजकल ई टेक्स्ट बुक्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो बच्चे जो है ई टेक्स्ट बुक्स के थ्रू भी ये चीजें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना वायरस के टाइम पे हम सब लोग आजकल ई बुक्स पे या ई चैनल्स पे हम लोग जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ने के लिए। आज हम लोगों ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बात करी है, जिसमें मैंने आपको काफी चीजों के बारे में बता दिया है, काफी चीजें हमने यहाँ कवर कर ली हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंग्लिश में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है जो कि हमारा रेमेडियल टीचिंग का है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस टॉपिक का मटेरियल लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप नीचे देख लीजिएगा। साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक